हैं यदि आप ये 12 चीजें करते हैं तो। 55 में 25 की जवानी यदि आपको लाना है तो आपको ये चीजें करनी होगी। चलो आइए इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तब तक लोग जमा हो रहे हैं लाइव में, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हरकत नहीं। तो आज बताने वाला हूं मैं कि भाई यदि आपको बुढ़ापा डालना है और आपको 55 में 25 की जवानी यदि लाना है तो डेफिनेटली ये 12 चीजें करने होंगी या नहीं करने होंगी, ये 12 लाइफस्टाइल्स आपको लानी होंगी। तो चलो आइए हम बात करते हैं ये 12 चीजें कौन सी है। तो नंबर एक, आपने नियमित सेक्स ना करना। देखिए नियमित सेक्स जब आप करते हैं, और नियमित मेरा मतलब ये होता है कि कम से कम हफ्ते में एक बार, तो आप हफ्ते में एक बार कभी सेक्स आपने करना जरूरी है। देखो बहुत ज्यादा सेक्स किया तभी बुढ़ापा जल्दी आएगा, और बहुत कम सेक्स किया तभी बुढ़ापा आएगा। आपकी यदि शादी हुई नहीं है, शादी हुई नहीं है तो मास्टरबेशन करना आपको जरूरी है, हस्तमैथुन करना जरूरी है। क्योंकि आप यदि हस्तमैथुन करते हैं डेफिनेटली हफ्ते में एक बार दो बार, हस्तमैथुन कोई बुरा नहीं है, हस्तमैथुन आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप हरदम जवान रहेंगे। नंबर दो, है पॉन एडिक्शन। देखिए पॉन एडिक्शन जो है उसमें होता क्या है कि लोग पॉन देखते हैं और पॉन देखते देखते उनको लगता है कि अपना इतना लंबा नहीं है, इतने लंबे समय तक हमने चलना चाहिए वगैरह वगैरह। उसमें गिल्ट लगता है, डिप्रेशन आता है, उसमें बहुत सारा समय जाता है और आप फिर आपके पार्टनर के साथ में सेक्स करते नहीं है। तो ये पॉन एडिक्शन आपको डालना होगा और पॉन बिल्कुल देखना नहीं है। नंबर तीन, यदि आप आर्टिफिशियल लाइट में बैठे हैं, आर्टिफिशियल लाइट मतलब जैसा भी मैं बैठा हूँ आर्टिफिशियल लाइट है, यानी बाहर की नेचुरल लाइट नहीं है, और बहुत ज्यादा समय तक, लंबे समय तक, बहुत ज्यादा घंटे आप आर्टिफिशियल लाइट में बैठे, घर के अंदर बैठे और घर के आर्टिफिशियल लाइट में बैठे और वहां काम कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। उससे आपकी जवानी पर असर होता है, सेक्स लाइफ पर उसका प्रभाव पड़ता है। नंबर चार, पार्टनर के साथ में आपके रिश्ते खराब रहना। यदि पार्टनर के साथ में आपकी बनती नहीं है, तू तू मैं होती है, झगड़ा होता है, झंझट होती है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। लोग बोलते हैं कि भाई हमारी बिल्कुल पट्टी नहीं है, और जब पट्टी नहीं है तो सेक्स कैसे क्या करेंगे। क्या होता है कि कितना भी झंझट कुछ भी रहा तो भी बेड पर लोगों ने एक होना चाहिए, दोनों ने एक होना चाहिए, मतलब आपके पत्नी के साथ में आपके रिश्ता ऐसे होना चाहिए जैसे आप एक हो, सिंगल हो, ऐसे रिश्ते पक्के रहे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और पत्नी का सपोर्ट मिलना, कोऑपरेशन मिलना बहुत जरूरी होता है, आप हरदम यंग रहेंगे, सेक्स रेगुलर होता रहेगा। नंबर पांच, आपको आपके खान पान पर असर रखना है, अच्छा खान पान पर मतलब नजर रखना है। देखिए आप यदि बहुत ज्यादा खाते हो, शुगर ज्यादा है, फास्ट फूड्स आपके इसमें ज्यादा है, मैगी नूडल्स ये पिज्जा बर्गर ये सब खा रहे हैं, और उससे क्या होता है कि शुगर बढ़ जाती है, मोटापा आता है, डायबिटीज जल्दी होता है, और उसका असर आपके उम्र पर पड़ता है, आप जल्दी बूढ़ा दिखना चालू हो जाएंगे और आपके सेक्स लाइफ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। नंबर छः, आपकी बैठक। यदि आप लंबे समय तक बैठ रहे हैं उसमें होता क्या है, बैठक है आपकी तो बैठक से होता है कि नीचे की जो प्यूडेंडल नर्व है ना, जब हम बैठते हैं तो नीचे मतलब गुदा द्वार के और लिंग के बीच की जो जगह है वहां नर्व रहते हैं, प्यूडेंडल नर्व, उसके ऊपर प्रेशर आता है, और जब प्रेशर आता है उसके ऊपर तो उसका बुरा असर सर्कुलेशन पर होता है, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, और लिंग में भी टिंगलिंग नमनेस मतलब चींटियां दौड़ना और नम हो जाना ऐसा होता है, तो वो भी नहीं करना चाहिए आपने। और ज्यादा समय तक बैठक नहीं करना चाहिए, उठो इधर उधर घूमो तो उससे फायदा होगा। नंबर सात, जो लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन है, छोटी छोटी बात के ऊपर टेंशन आता है और बहुत स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, नेचुरली क्या होता है स्ट्रेस ज्यादा एड्रेनलिन और ये जो स्टीरॉयड है उसका सिक्रीशन करता है, और जब एड्रेनलिन और स्टीरॉयड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा जब होता है तो नेचुरली उसका बुरा असर सेक्स पर होता है, उसका बुरा असर बॉडी पर होता है, और जल्दी बुढ़ापा आपको आ सकता है। तो टेंशन आपको लेना नहीं, हरदम खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ लाइटली लेना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका आठ, नींद की कमी। 6 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही जरूरी है, और यदि आप 6 से 8 घंटा नींद लेते हैं
तो आपका आपकी मतलब क्या होता है कि निन में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, निन से इम्यूनिटी अच्छी बढ़ती है, और निन में क्या होता है कि नेचुरल इरेक्शंस आते रहते हैं। देखो हमको जो नींद हम लेते हैं ना 7 से 8 घंटा नींद, तो उसमें कम से कम 4 से 6 बार लिंग में तनाव आता है नींद में, और वो आता है रैपिड आई मूवमेंट स्लिप जो है REM स्लिप, उसमें तनाव आता है। तो वो नेचुरल है, वो तनाव आना अच्छा है और REM स्लिप अच्छी है, उससे नींद से अपनी फिजिकल फिटनेस और मतलब मेंटल फिटनेस और सेक्स लाइफ बहुत ही बढ़िया होती है। 6 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही जरूरी है। नंबर 9, शराब तंबाकू और सिगरेट की लत। यदि तंबाकू शराब सिगरेट की लत है, उसका बुरा असर ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर होता है, पूरे बॉडी के ऊपर होता है। जो लोग शराबी उनको जल्दी डायबिटीज होता है, उनकी लीवर खराब हो जाती है, उनकी प्रतिकार शक्ति बहुत कम रहती है। सिगरेट स्मोकिंग से फेफड़े खराब हो जाते हैं, तंबाकू से कैंसर होता है मुंह का, और जो हमारी नसें जो है वेन्स, उसका अंदर का अस्तर जो है आर्टरीज, उसका अंदर का अस्तर जो है वो मोटा हो जाता है, एथरोस्क्लेरोसिस होती है, और उससे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसमें प्रॉब्लम आता है। तो ये सब लत से दूर होना चाहिए, इसमें आपको बुढ़ापा जल्दी आएगा, आपकी जवानी खत्म हो जाएगी, लिंग में टाइट पना नहीं आएगा। नंबर 10, घर पे रहना। यदि आप ज्यादा समय तक घर पे रहते हैं, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि सोशल एंग्जाइटी है, घर के बाहर जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। क्या होता है कि जब आप घर के बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, तो हरदम खुश रहते हैं और जवानी में रहते हैं। लोग घर घर में रहना, अकेले रहना, है ना, तो उससे होता क्या है कि उससे बुरा असर दिमाग के ऊपर पड़ता है, बुरा असर बदन के ऊपर पड़ता है, और नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो घर पर रहना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। नंबर 11, आपको लक्ष्य, आप में लक्ष्य की कमी। यदि आपके पास में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं बोले तो गोल्स नहीं है, कहाँ जाना आगे, करना क्या है, ऐसा नहीं है तो आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। देखो आपको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियां तब लोगों को होती है जब लोग रिटायर हो जाते हैं। 58-60 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती। क्यों? क्योंकि सामने भी कोई लक्ष्य नहीं है, अभी कुछ कार्यक्रम ही नहीं है, बस खाओ पियो बैठो आराम करो, और उसमें जल्दी वो बूढ़े हो जाते हैं। तो लक्ष्य की कमी है। और नंबर 12 जो है वो है कि आप नई नई चीजें सेक्स में ट्राई करना। क्या होता है कि वही वही पार्टनर, वही जगह, वही बेड, उससे बहुत बोर्डम हो जाता है। जैसे आलू की सब्जी 50 तरीके से बना सकते हैं, वैसे वही पार्टनर के साथ में आप 50 तरीके से अलग अलग सेक्स कर सकते हैं, 365 दिन में 365 आसन कर सकते हैं। आसन का मेरा वीडियो आपने जरूर देख लेना है। नए आसन करो, सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि शादी के बाद में एक ही बार हनीमून को जाना है, आप बार बार जा सकते हैं, हर साल जा सकते हैं। तो हनीमून को जाओ बार बार, आप घर में भी अलग अलग जगह पे सेक्स कर सकते हैं, जगह बदल सकते हैं, बेड बदल सकते हैं, कभी होटल बुक कर सकते हैं, वहीं गांव में या आजू बाजू के गांव में होटल में जाके 2 दिन रह सकते हैं। मतलब हर बार नयापन लाना, और हर बार आप नयापन लाते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, आप यंग रहेंगे, जवान रहेंगे, सेक्स लाइफ में भी आखिरी तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या होता है कि जब बूढ़े हो जाते हैं, मन से तन से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है, मोटापा आता है, और मोटे वजह से हलचल कम हो जाती है, पेट बहुत बड़ा हो जाता है, फैट ज्यादा हो जाती है सामने पेट के ऊपर, उसका भी सेक्स के ऊपर बुरा असर होता है। तो ये सब चीजें डालना है, तो आपको बहुत ही एक्टिव रहना है। खान पान, नींद, जो भी मैंने बताया, सब जब आप करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। मैं फिर से दोहराता हूं, आइटम्स, नंबर 1, नियमित सेक्स न करना, नंबर 2, पॉन एडिक्शन, नंबर 3, आर्टिफिशियल लाइट में ज्यादा समय तक रहना, नंबर 4, पार्टनर के साथ में खराब रिश्ते ना पटना, नंबर 5, खान पान, ज्यादा शुगर, फास्ट फूड रखना, नंबर 6, बहुत ज्यादा घंटे तक बैठक का काम करना, नंबर 7, टेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना, नंबर 8, नींद की कमी, नंबर 9, शराब तंबाकू सिगरेट की लत, नंबर 10, घर पर ज्यादा रहना, घर के बाहर नहीं निकलना, नंबर 11, लक्ष्य की कमी, और नंबर 12, नए आसन, सेक्स टॉयज, सेकंड हनीमून आदि के बारे में बताया मैंने। तो ये सब आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी रहेंगी, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, और यदि चीजें कर रहे होंगे इसमें की कोई चीजें, तो आपको तुरंत बंद कर देना है,
55 में 25 की जवानी आपको आ जाएंगी, इतना पक्का है। ये आप लाइव ये प्रोग्राम पे है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मुझे यहाँ ऐड ये करना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सब करने के बाद में भी सेक्स आता नहीं है, तो डेफिनेटली आप वायग्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो वायग्रा में सिल्डेनाफिल है, सिल्डेनाफिल की 25, 50 और 100 मिलीग्राम की गोलियां ऑन द काउंटर उपलब्ध है। एक्चुअली देना नहीं चाहिए मगर वो अवेलेबल है, वो आप लेते हैं एक घंटा पहले, सेक्स करने के एक घंटा पहले वायग्रा की गोली। मैं आपको बताता हूँ कि ये होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में इतनी प्रभावी दवाई नहीं है जितने की ये एलोपैथी में है। तो आप वायग्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सिल्डेनाफिल। टाडालाफिल एक घंटा पहले लेनी है, वो भी 2.5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम आदि। इसमें टाडालाफिल सियाली जैसी गोलियां आती है तो वो आप ले सकते हैं एक घंटा पहले। फिर वैसे ही आप वर्धनाफिल आती है 10 और 20 मिलीग्राम की गोली, तो वर्धनाफिल ले सकते हैं और एवेनाफिल ले सकते हैं। जल्दी यदि आपको गिर रहा है, जल्दी गिर जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, तो इसमें क्या है कि एसएस आ रहा है मतलब डेपोक्सिटिन दवाई मिलती है, फ्लियोक्सिटिन, सरेट्रालिन, एसिटालोप्राम, इसका कॉम्बिनेशन मिलता है वायग्रा के साथ में, मतलब टाडालाफिल प्लस डेपोक्सिटिन, टाडालाफिल सिल्डेनाफिल प्लस डेपोक्सिटिन, डेपोक्सिटिन 30 मिलीग्राम एक दवाई उसमें मिलाई जाती है और उसका बहुत असर, बहुत अच्छा असर पड़ता है, तो वो भी बहुत अच्छी काम में आती है। सिर्फ इतना ही है कि जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है, जिनके ब्लड प्रेशर जिनका कम है, तो उन्होंने ये तुरंत दवाई अपने मन से लेना नहीं है, डॉक्टरों को पूछना है। ये दवाई से, यदि ये दवाइयों से आपको यदि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, दिखने में प्रॉब्लम आ गया, दिखने में एकदम रोशनी चली गई, ऐसा होता है सिल्डेनाफिल से। मेरे पास में ऐसे बीच बीच में पेशेंट आते हैं कि सिल्डेनाफिल या वायग्रा लिया, एकदम दिखना ही बंद हो गया, बाप है, तो तुरंत बंद करना चाहिए। एसिडिटी बहुत बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। अभी बीच में क्या हो गया, बीच में नागपुर सिटी में होटल में एक लड़का अपने प्रेयसी के साथ में था, रात में सेक्स करने के बाद में सो गया, तो हरदम के लिए सो गया, क्यों, क्योंकि उसके खिसे में मिली वायग्रा की गोली सिल्डेनाफिल की, उसको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम था, उसने दवाई लिया, उसका हार्ट फेल हो गया। एक पेशेंट था जिसने सिल्डेनाफिल की मतलब वायग्रा की गोली लिया, इरेक्शन आ गया और अभी इरेक्शन उतर ही नहीं रहा, अभी इरेक्ट ही, अब 4 घंटे के बाद में भी इरेक्शन चालू है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना जरूरी है कि भाई एसिडिटी है क्या, हेडेक है क्या, बॉडी एक्स है क्या, हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम है क्या, तो ये सब देखने के बाद में आपने ये दवाई लेनी है। ये दवाई अदरवाइज बहुत अच्छी है, मैं दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ जिनको ज़्यादा उम्र हो गई है या जिनको ऐसा कि अभी इज्जत का सवाल है, पार्टनर के साथ में जाना है, आज यदि नहीं हुआ तो मेरी शादी टूट जाएंगे, ऐसा कोई बोलता है, डेफिनेट लेना चाहिए। हफ्ते में एक बार लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी के साथ में लो, खाना खाने के पहले लो, एक घंटा पहले लो, और यदि आपको शीघ्र पतन प्रॉब्लम है तो आपने डेफिनेटली मलम का इस्तेमाल करना चाहिए, जो एनिस्थेटिक मलम है, एनिस्थेटाइज करता है पेनिस को, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर स्प्रे का इस्तेमाल करो। और यदि टाइटनेस नहीं आ रहा है तो अलग अलग तरह के ऑयल्स हमारे पास में है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेक्स लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी, मौज करेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि क्या है कि एक बार का यदि हार्ट अटैक आ गया ना तो लोगों को चलता है, बोले ठीक है यार वो दवाई ले लेंगे, हार्ट अटैक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसके बाद में जरा फिक्र करेंगे, केयर करेंगे। सेक्स लाइफ चले गया तो लगता है कि भाई मर गया तो अच्छा है, काफ़ी लोगों ने तो सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम आ गया तो खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। तो सेक्स लाइफ आपका बिल्कुल बरकरार रहना जरूरी है। इसमें आपको चिपचिपा पानी आना यदि प्रॉब्लम हो रहा है, यदि बहुत ज़्यादा चिपचिपा पानी आ रहा है, डेफिनेटली उसका इलाज करना जरूरी है। अब इलाज क्या करना है, इलाज यही है कि उसके बारे में सेक्स एजुकेशन करना जरूरी है। चिपचिपा पानी इसको बोलते हैं प्रीकम आना, और प्रीकम यदि आता है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मास्टरबेशन आप करते हैं, यदि बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाता है और टिकता भी नहीं है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत लोगों को है कि तुरंत निकल जाता है, ऐसे इसमें यदि कोई बहुत ही इज्जत का सवाल है या वो पार्टनर आपके भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, तो पहले हस्तमैथुन कर लो और बाद में सेक्स करना। फिर लोग बोलते हस्तमैथुन करने के बाद में इरेक्शन नहीं आता है, तो हस्तमैथुन कर लो, बाद में ये गोली खाओ, टैबलेट्स खाओ, और बाद में फिर सेक्स करो, तो आपका प्रॉब्लम निकल जाएगा।
इसके बाद में कीगल्स एक्सरसाइज आप करते हैं, स्प्रे लगाते हैं, थिक कंडोम्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर स्क्वीज टेक्निक करते हैं, तो ये सब किए तो डेफिनेटली शीघ्र पतन ठीक हो सकता है। आप हमें ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क कर सकते हैं, मैं अकोला में महाराष्ट्र में हूँ, नागपुर के पास में, यहाँ आप आ सकते हैं और ऑफलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे हमने नंबर दिए हुए, इसके ऊपर मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं और आपका जो सेक्स लाइफ है वो अच्छा कर सकते हैं। ये प्रोग्राम में आके आपने बहुत बहुत मतलब समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंटरेस्ट बताया, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।